said, got rose in my cup, though. Started climbing my phone, she got me locked in, I'm cup, though. Cocaine in my nose, said, got rose in my cup, though. Started climbing my phone, she got me locked in, I'm cup, though. भाई छोटा सा गार्डन कितना सुंदर लग रहा है देख रहे हो। मतलब अभी ये थोड़े से ही कुछ ही पौधे हैं, मतलब कितने 10-12 हैं, इतने ही और लेके आने। मतलब ये यहाँ से लेके पूरा वहां तक ना पूरा भरना है। तो ये सारे पौधे ना इधर लगे, मतलब पूरे उसमें लगेंगे, इनमें लाइट सारी चीजें लगेंगी। एंड भाई ये रहा अपना रूम जो की ना रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत रह रहा है। जो काम अपने होने थे वो चीजें, मतलब बड़ी बड़ी चीजें सारी हो चुकी हैं। और बाहर से धूप कितनी शानदार आ रही है क्योंकि शाम हो चुकी है। एंड भाई मैं इतने दिन कहाँ गायब था, कहाँ मतलब क्या कर रहा था, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। लगभग मतलब 8 या 9वां दिन है, मतलब 9th डे है, जो मैंने 8 दिन से एक भी व्लॉग नहीं डाला। बस ऐसी बीच बीच में इंस्टाग्राम पे रील डाल दी एक आधी, या फिर कोई यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स डाल दी, बस यही सब चल रहा था। कि भाई इतना ज्यादा मतलब काम में इतना ज्यादा बिजी था ना, सिर्फ और सिर्फ किस लिए ना, सिर्फ इसको रेडी करवाने के लिए। भाई इतना बिजी चल रहा था ना स्केड्यूल, और अपना नीचे भी रेडी हो रहा था। तो इसका मतलब पूरा घर का रिव्यू और सारी वीडियो सारी चीजें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए भाई टाइम हो रहा है अभी 5:00 PM, तो कर देते हैं वीडियो की शुरुआत। सो दिस इज हर्ष ठाकुर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद हर्ष। तो भाई इस वीडियो में ना आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, ATV मतलब ऐसे पलट सी गई है। एक्चुअल में हम ऑफ रोड कर रहे थे, सो क्या सीन हुआ, क्या सारी चीजें हुई, एंड वो सारी चीजें आपको आगे व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। एंड भाई अभी तक मतलब मैं गायब था 8-9 दिन से, एंड अब भाई वीडियोस अपनी आती रहेंगी रेगुलर, एक दिन छोड़ एक दिन मतलब मैं वीडियो डाले करूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ना फ्री हो चुका हूँ। तो अभी तक ना बहुत ज्यादा काम था, लिटरली बहुत ज्यादा काम था, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा था। मेरे पास ये व्लॉग बना हुआ रखा था, शूट मैंने कर रखा था लिटरली, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको एडिट करके ना आप लोगों के सामने मतलब दूं। मैं ये वीडियो की शुरुआत यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था ना कि अगर मैं डायरेक्ट उस व्लॉग को वैसे ही डाल देता तो समझ में नहीं आता क्या सीन हुआ, क्या चीज थी, कहाँ गायब था। तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मैं काम में बिजी था, घर रेडी हो रहा था इसीलिए, ठीक है। तो उसका अब मतलब लिटरली 80-90% काम हो चुका, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो अपना धीरे धीरे होता रहेगा, कोई चक्कर नहीं है। बट अब व्लॉग भाई टाइम टू टाइम आते रहेंगे। एंड भाई मेरे को इतने सारे मतलब लोग मैसेज करते हैं, जो मेरे आसपास लोग जो देखते हैं ना वीडियोस, तो वो रोक रोक के पूछते हैं भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे भैया, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा है। और फैमिली मेम्बर्स भी भाई मेरे को कॉल करके बोलते हैं मैसेज की भाई कहाँ है, कहाँ गायब हो गया, तेरी वीडियोज ही आनी बंद हो गई। अब उन्हें कौन बताया कि भाई काम इतना ज्यादा है भाई मेरे पास। तो बिजी था भाई, बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था काम की वजह से। खैर अब थोड़ा बहुत मैं फ्री हो चुका हूँ। सो अब भाई बहुत सारे ब्लॉग इसी रूम से स्टार्ट हुआ करेंगे, अभी ना कोई सेटअप नहीं किया, अभी वैसे ही रखा हुआ सिस्टम। तो सारी चीज़ें ना मेरी रखी हुई हैं नीचे, तब मैं धीरे धीरे उन्हें ऊपर लेके आऊँगा। इस पूरे रूम को ना मतलब जो चीज़ें सोची है ना उस टाइप से इसको रेडी करेंगे, एंड फिर भाई आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। और मस्त लग रहा है भाई, सबसे ज़्यादा मज़ा ना मेरे को पता है किस चीज़ में आ रहा है, पौधे ला के भाई। अभी इतने तो हैं ही, बहुत सारे लेके आने। सो भाई सारा व्लॉग मैं यहाँ ना बनाते हुए ना एक काम करते हैं, आप ना उस व्लॉग को एंजॉय करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, कमेंट करना है, शेयर जरूर करना, और भाई सब्सक्राइब कर दो, टाइम टू टाइम व्लॉग्स आते रहेंगे। आप लोग मौज लो, मैं भी मौज लेता हूँ। चलो जी व्लॉग को एंजॉय करते हैं, चलो। ये वाली जो बिल्डिंग है ना भाई, ये बहुत दूर से दिखती है सर। ये देखो कहाँ खड़ी कर दी। हम आ चुके हैं ऑफ रोड की लोकेशन पे, मतलब ये ना इतनी मिट्टी है ना इसके अंदर, इस एरिया में इतनी ज्यादा मिट्टी है ना, ये भी धस रही है, मेरी बाइक तो वहाँ धसी खड़ी हुई है, इसको दिखाएंगे भाई। इनके बीच में घुमाई ये बाइक के ऊपर भोंकने लग गए, और यहाँ पे करते हैं अपन ऑफ रोड और धसाते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है, ये क्या सीन हो गया भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, ओवर हो गई क्या भाई, ये ATV स्टार्ट नहीं हो रही भाई। तू मत जाइए यार BMW की तरह दिक्कत हो जाएगी। 2000 years later. अब शुरू कर रहे हैं इस ना धूल में ऑफ रोड, और ये ना ऐसे गोल गोल नाचेगी भाई, नचाएंगे इसको, और अपनी बाइक ये है, पहले इसको करते हैं फिर इसके बाद इसको ऑफ रोड। रेडी बैठे हैं ये, कब घुमाए और कब पीछे पड़ जाए, इधर ही कर लेते हैं, घुमाओ खत्म, बाय बाय टाटा गया। कैप्चर हो गई। ओ भाई ज्यादा एक्सट्रीम हो गया भाई, थोड़ी सी आगे वहाँ उसमें, यहाँ ऊपर ऊंचा नीचा है, यहाँ पे ऊंचा नीचा है, वहाँ पे वहाँ एक हिस्सा है।
भाई ये चल रही है अपनी ऑफ रोड, क्या सही घूम रही है देख रहे हो। और इसको ना एक्सपीरियंस है घुमाने के लिए, मेरे जैसा तो इसमें दो पल्टी लगवा देगा। तो भाई भाई ने तो ना पूरा एकदम घुमा घुमा के ना गर्दा गर्दा कर दिया, मतलब धूलम धाल कर दिया। ये देखो मतलब भाई काफी ज्यादा रेत है इसके अंदर, आदमी आराम से चल नहीं, इसमें चल नहीं सकता बंदा। और ये देखो दोनों टायर कैसे धसा दिए, सारी मिट्टी बाहर निकाल दी। ये देखो काफी मिट्टी इसके नीचे भी निकल गई, क्योंकि हम चल भी तो रहे हैं इधर उधर, है ना। एक भाई और आ रहे हैं, वो आ जाते हैं, उनको भी ऑफ रोड दिखाएंगे। इतने अपन इसके एटीबी के ऊपर मजे लेते हैं। अब इसको घुमाते हैं, फिर उसके बाद वो खड़ी हुई ना उसको हालत तो भाई पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। भाइयों के बाल में भी पूरे मिट्टी मिट्टी हो रखी है, एटीवी की तो हो रखी है। इस ये भी धुलेगी और हम भी घर पे जाके धुलेंगे। ये देखो और उसमें तो खड़ी खड़ी में धूल लगा रखी है, क्योंकि सारी ऐसी धूल उड़ रही थी ना, तो सारा वहीं पे ही। ले भाई हमारा एक और चीता आ चुके हैं, वो रियल ओजी आ गई, उससे भी होगी ऑफ रोड, उससे ऑफ रोड करेंगे एक्टिवा से। भाई मैं कह रहा हूँ कि हम इससे ऑफ रोड कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, अब इससे भी होगी, रियल ओजी से भी होगी। चलो गाइस अब है मेरी बारी, चल हर्ष दिखा भाई अब अपनी ऑफ रोड। जिस तरफ घुमा रहा है ना इस तरफ बैठ जा, इस तरफ स्टीयरिंग काट रहा है तो इस तरफ बैठ जा, बिल्कुल सारा वजन उस तरफ दे दे, अब इस तरफ दे दे सारा वजन। भाई पैर के नीचे अभी बुलाओ भाई, हो गया काम आज तो। अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार, कर दिया था आज काम पूरा। अलग ही मजे आ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। ये देखो हैवी ड्राइवर हमारे, उसको ना दोबारा चलाना सीखना पड़ेगा। हाँ आइडिया नहीं है ना इसका, हाँ सेट करना भाई। देखो ये चीज तो होती है, अगर गाड़ी हो या कोई नई बाइक हो या कुछ भी हो ना, तो उसके ऊपर ना पहले एक बार हाथ सेट करना होता है, ऐसे ही सीधा डायरेक्ट भगाना नहीं होता। क्योंकि अगर किसी चीज को अगर हम समझ लेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से हमें वो चलानी आएगी उस चीज को, वो चीज करनी आएगी। ये देखो करता करता सिस्टम है भाई, जूते कपड़े शकल सब धूल धूल हो रखे, घर जाके ये भी धुलेगी वो भी धुलेगी और हम भी धुलेंगे, सब धुलेंगे। तो गाइस अब चलाते हैं बाइक को, अभी मजा आएगा ना भिड़। एटीवी तो कुदाली खूब, अब बाइक को चलाते हैं, बाइक को गोल गोल घुमाते हैं। बाइक तो गोल गोल खैर देखते हैं, बाइक में थोड़ा सा रिस्क है, खैर कोई बात नहीं, रिस्क है तो इश्क है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आ गया भाई एक नंबर, मजा आ गया। पावर इतनी है ना तब निकल गई, ये घंटा निकल सकती है वरना इस रेत में, क्योंकि काफी ज्यादा धस चुकी है भाई। ये देख रहे हो पूरा टायर ना, जैसे हर बार की तरह मैं पूरा धसा देता हूँ, फिर से धसा दिया, बिना स्टैंड के खड़ी है भाई। ऐसे में ना बर्नआउट मारने में ना कोई वो नहीं रहता, टायर भी नहीं घिसता, नुकसान भी नहीं होता। अगर रोड पे मारो ना टायर भी घिस जाता है, और इसमें भाई धूल उड़ रही है इतनी ऊपर ऊपर, क्रेजी। आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी, मजेदार। एंड भाई अब एटीवी भी इधर ही आ रही है, और एटीवी भी इधर दसा दे रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ मैं। मेरे भाई भूई जो वीडियो देख रहे हैं ना, कह रहे पहले तू अटक अटक के बोलता था, और अब देखो कैसे धका धक बोलता जा रहा है। अब भाई मैं ना लिटरली बताऊँ, मार्केट में अगर 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी खड़े हो, उनके बीच में भी मैं बोल देता हूँ। पहले जब मोटो ब्लॉगर हमें बन चुका हूँ, मोटो ब्लॉगर बेशरम, एक नंबर बेशरम। भाई इसके भी चेचिस्टर हो गई। ये देखो भाई का हाल देखो, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया, मेरे देश की मिट्टी। ऑफ रोडिंग करके ये तो हो गया कि भाई हम लोग डेली आके नहा जरूर लेते हैं। हाँ ये देखो मिट्टी पूरी उखाड़ के फेंक दी, क्या क्रेजी लग रही है भाई। अब लेते हैं इसके ऊपर थंबनेल। दिस इज
बिजनेस में बहुत पावर है, वो रियल ओजी है, ठीक है, जो भैया ने बताया था वो रियल ओजी है। अब कर रहे हैं एक्टिवा पे किसी को नहीं छोड़ेंगे आज। साइकिल होती ना उस पर भी ऑफ रोड कर देते, उसको भी यहाँ धसा देते, तो इन दोनों को धसा दिया। अब भाई उसको लेके आते हैं एक्टिवा को, पूरे कपड़े कपड़े सब गंदे हो चुके हैं। वो पानी सा आया भाई, मजा आ गया। नहीं पानी तो कहाँ से आएगा, अच्छा ऐसे किया मेरे को लग रहा मैं तो भैया बरसो मत भगवान, बुरा हाल हो जाएगा या घोच हो जाएगा पूरा। तो भाई अब देखो तुम एक्टिवा का मजा लगाइयो, बराबर में लगा भाई, ये तो ले गया यार भाई, ये तो गई। भाई 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 बस हवा निकल गई, कंट्रोल नहीं हो पा रहा ना पावर से, पावर कंट्रोल, पावर टू बॉडी मतलब वेट रेशियो जो होता है वो ज्यादा है, वजन नहीं है ना और पावर है, तो ये ऐसे 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 जा रही है भाई, क्या हो रहा है ये। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साले तू इतने मजे तो मैंने लिए इसके जितने इसने ले लिए। स्कूटी पे ना हाथ सेट हो रखा, मैंने शुरू से ना स्कूटी चलाई है, मतलब फिफ्थ क्लास में मैं टू व्हीलर चलाना सीख गया था स्कूटी से ही। सही है भाई, ये देखो मैं देखा था अभी नहीं व्हीकल उस टाइम, एक्सपर्ट हो रहा है बिल्कुल। अब इसको लगाते हैं उसके उन्हीं के साइड में, भाई ये बिना आवाज के स्टार्ट हो जा रही है ना, आदत नहीं है। अच्छा ये भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शानदार शानदार। ये रुकियो अभी जब करने से पहले ये तो भाई अंदर अंदर ही दस्ती जा रही है। लो भाई तीनों कह रहा था, भैया कह रहे थे कि इसके ऊपर ऑफ रोड नहीं हो पाएगा, तुम्हारे भाई ने यहाँ नचा के भी दिखा दी, यहाँ साइड में लगा के भी दिखा दी, बहुत क्रेजी लग रही। वो तो बिना स्टैंड के रहती है और ये दोनों बिना स्टैंड के वैसे ही खड़ी कर दी हमने, भाई सांस फूल गई। एक तो इसमें ना उसके उसके मतलब बाइक के चला चला के ना ऐसा वो हो गया ना, उनमें वेट है, इसमें बिल्कुल वेट नहीं है, इसमें वेट नहीं है, ऊपर से पावर एक्स्ट्रा हो रखी है। तो भाई यहाँ पे तो मेरे से अनकंट्रोल हो गई थी, बट संभाल ली तुम्हारे भाई ने। एक बार ना इसका वॉक अराउंड देखो गाइस और फिर बताओ कि भाई कमेंट करके कि कैसा लग रहा है।